मुरादाबाद के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने और उनके प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी करने के आरोप में एक साथ 9 बच्चियों के परिजनों ने टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बच्चियां इतनी डरी और सहमी हुई हैं कि वो स्कूल छोड़ चुकी हैं और उनके परिजन भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र के काला झंडा के प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है। इस स्कूल में पढ़ने वाली आधा दर्जन से अधिक बच्चियों ने अचानक स्कूल जाना बंद कर दिया तो उनके परिजनों ने बच्चियों से पूरे मामले में विस्तार से पूछताछ की। जो बच्चियों ने अपने माँ बाप को बताया उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। बच्चियों ने बताया कि उनके टीचर इश्तियाक अहमद उनके साथ अश्लील बातें करते हैं और उनके प्राइवेट पार्ट को छेड़ते हैं। बच्चियों की जवानी जब उन्होंने सरकारी टीचर की ये गंदी हरकत सुनी तो सभी बच्चियों के परिजनों ने एक साथ मिलकर आरोपी टीचर के खिलाफ थाना ठाकुरद्वारा में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद से आरोपी टीचर इश्तियाक अहमद फरार बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर परिजनों में आरोपी टीचर के खिलाफ गुस्सा व्याप्त है और वो अपनी बच्चियों को वापस स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। इस मामले में जानकारी देते हुए SP देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि बच्चियों के परिजनों की शिकायत के आधार पर 354 का सहित कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीचर अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। क्या नाम है आपका? पवन कुमार नाम है। अच्छा, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ वो गलत व्यवहार हुआ। जो भी बच्ची पढ़ने जाती थी उन्हीं के साथ कमर पे हाथ फेरता था, बच्चों से पूछता था और कहता था आप इधर को आ जाना है, तुझसे अकेले में बात करनी है। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मुकदमा दर्ज कराया कल उन्हें, वे यो हैं डिप्टी साहब को फोन किया गया तो जब सुनवाई हुई कल स्कूल में। बच्चे डरे हुए हैं। हाँ, तो अब इस टाइम ठाकुरद्वारा ब्लॉक में है। बच्चे अब दोबारा स्कूल जाने के लिए क्या? नहीं, वहाँ दोबारा स्कूल भेजेंगे ही नहीं हम। अब सरकारी स्कूल है वैसे भी। बच्चे क्या कह रहे हैं आप दोबारा स्कूल जाने? नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, चाहे यहीं स्कूल में पढ़ लेंगे, दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। क्या हुआ था मेरा जानती? सोनू कौन है आपके? लड़का तो हमारा वहीं गया है तो। अच्छा, क्या हुआ? उन्होंने क्या मुकदमा दर्ज कराया? क्या वो क्यों मुकदमा कराता? नहीं, वही बात ही है, उन्होंने लोगों ने क्या मुकदमा दर्ज कराया? क्या शिकायत? क्या शिकायत? वही शिकायत है ये स्कूल की। क्या है स्कूल की शिकायत? ये लड़की पढ़ने जावे थी हमारी, तो ये लड़की पढ़ने जाती थी तो उस मास्टर को तो अपनी मैच में बैठना था अपने, या उन लड़कियों के लड़के कलबट में बैठना था। क्या कर रहे थे उस लड़के? क्या बताओ तो ये काम सही ना है जो बात उन्होंने करी। अच्छा, तो पहले भी ये मास्टर ने हरकतें करी है? तो पहले काम है, क्या पता हमारे लड़कियों को 3 साल हो गए पढ़ते, जैसे तो कोई गुना है, 1.5 साल भी हो गया, 1.5 हो गया वो तो अब ये लड़के 12-13 साल की लड़की होंगी। हमारे गांव की लड़की जामे थी, अब यही बात होगी। तो कितनी लड़कियों ने शिकायत अपनी दर्ज कराई? जो लड़की गई है वो गई है। कितनी लड़की है? बाकी लड़कियां क्यों गई? बाकी लड़के क्यों गए जाने क्या पता भैया, भैया जो कुछ होना। आपका क्या नाम है? मेरा पता नाम सोनू का। कौन है भाई? अच्छा, क्या हुआ आपकी भतीजी के साथ? हमारी भतीजी के साथ स्कूल जाती थी। हाँ। स्कूल जाने के बाद मास्टर ने कोई बदतमीजी करी, छेड़खानी करी, तो लड़की 2-3 दिन लोग स्कूल नहीं गई हैं, डर गए हैं बच्चे, तो इसलिए नहीं गए हैं। तो बल अब आगे को कार्यवाही हम ये करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी टीचर हो, किसी भी स्कूल का हो। लगभग आपकी भतीजी के साथ साथ कितनी छात्राएँ और थी? 8-9 के लपेट में होंगी। अच्छा, सभी के साथ? कितने टाइम से ये चल रहा है सर? ये तो हमें अभी 2-1 दिन बच्चों ने बताया है, 3 दिन से, तभी हमने कार्रवाई करी वहाँ स्कूलों में जाके। मास्टर नहीं आ पाया। क्या बताया? जो बच्चों ने बताया ना, हमें ऐसे उस पर लिखवाते हैं बोर्ड उस पर, तो वो बताया उन्होंने ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे सब चीज लड़की बताएगी, जो भी बताएगी। मतलब क्या बच्चों को कहीं कुछ वो टच भी करता है? पेट में दर्द है तो पेट रोल रहा, कमर रोल रहा, कभी कुछ रोल रहा, कभी कुछ बोल रहा उन्हें बच्चों को, नहीं ये चोली का चकान लगते हैं, ऐसे ऐसे बोल रहा वो मास्टर। बताओ ये क्या तरीका होता है मास्टर का विवाद करने का, बात करने का किसी का भी? तो कितने सब लोगों ने मिलकर कंप्लेंट कराई? सब लोगों ने करी है जी सर।
अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो अभी ये कहना चाहते हैं, चाहे किसी का भी, चाहे टीचर हो या आम हो या कोई भी हो, जो बदतमीजी करे उसे सजा मिलनी चाहिए, सीधा जेल होनी चाहिए, काम खत्म। हम तो ये करना चाहते हैं। क्या आप पे कुछ दबाव भी है? दबाव नहीं है हमारे ऊपर, कोई दबाव नहीं है। बच्चे डर गए, बच्चे नहीं कह रहे हम स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चे डरे हुए हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, कोई 10 साल का, ऐसा है। बच्चे स्कूल जाने के लिए मना कर रहे हैं बिल्कुल साहब। 7 सितंबर 2022 को गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल जो कि काला झंडा गांव में स्थित है और ठाकुर द्वारा थाने क्षेत्र में पड़ता है, कुछ बच्चों के परिजन अपने बच्चों के साथ शिक्षक द्वारा हो रही छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे। जिस शिक्षक के विरुद्ध वो शिकायत करने पहुंचे थे, वह शिक्षक उसी दौरान स्कूल से वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद बच्चों के परिजन अपनी तहरीर लेकर थाने पहुँचे, उस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा उक्त आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई पूरी